एक्शन प्लीज प्लीज अभिज्ञान, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत करो, जस्ट लीव मी अलोन। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, तुम्हारी परेशानी जानने आया हूँ। आखिर इतनी अपसेट क्यों हो तुम? मैं अपसेट नहीं, और अगर हूँ भी तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड अभिज्ञान, अभी मैं तुम्हारे साथ कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती, अभी जाओ तुम यहाँ से, प्लीज लीव मी अलोन। जितिका दोस्त हूँ मैं तुम्हारा, प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट अभिज्ञान, भरोसा उठ गया है मेरा इस शब्द पर से और इस दुनिया में किसी भी रिश्ते पर से, सब झूठ है, बकवास है, धोखा है सब। पर आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। यू रियली वांट टू नो, जानना चाहते हो तुम तो सुनो, मेरे डैड जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिन्हें कहीं और रिश्ता जोड़ते वक्त मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया, घर फैमिली सब होने के बावजूद उन्हें प्यार की तलाश हमेशा घर से बाहर ही रही। स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी, सब बच्चों के पेरेंट्स आते थे सिवाय मेरे, जैसे हर बार नए नए अलग अलग बहाने बनाने में एक्सपर्ट हो गई थी, मैं मास्टर हो गई थी। और क्यों नहीं बोलती, मेरे डैड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहा था, और अब जब मैं बड़ी हो गई, सब भूलने लगी, तो मुझे पता चलता है कि जस्ट लाइक माय डैड, मेरी मॉम का भी रिलेशनशिप क्या? हाँ, सही सुना, ऐसे ऐसे शॉक रह गई थी मैं भी, जब मुझे पता चला कि मेरे डैड के जैसे मेरी मॉम का भी, जो बात बोलते हुए मुझे शर्म आ रही, उन्हें करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई। पर वो है कौन? नहीं जानती मैं, नहीं जानता, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल जाएगा,